नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लाए हैं ब्रेजा डीजल टॉप मॉडल ZDI प्लस। तो इस वेरिएंट की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ओनर से आपको मुलाकात कराते हैं। ओनर अपना इंट्रो दे भाई। हाँ जी, संजीव कुमार बोल रहा हूँ जी मैं। अच्छा, तो भाई आपके पास आज ब्रेजा है, आपको कितना टाइम हो गया इसे ले हुए? ये जी 17 मॉडल है दिसंबर की। हाँ जी, और मैंने ये ली थी सेकेंड हैंड। अच्छा, मैंने नई बुकिंग करवाई थी ब्रेजा की ZDI प्लस, यही टॉप मॉडल की। उस टाइम थी वेटिंग 2.5 महीने की ब्रेजा की। हाँ जी, हाँ मैंने बुकिंग करवा दी, वेट करी 2.5 महीने, 2.5 महीने तक भी गाड़ी मेरे को डिलीवर नहीं हुई। नहीं हुई कंपनी के कहने के बावजूद? कंपनी के पास बुकिंग रही मेरे पास 2 महीने की। अच्छा, मतलब 2 महीने तक मेरी बुक करके वेट करी मैंने। हाँ, तो वो गाड़ी डिलीवर नहीं करी उन्होंने 2 महीने में भी। अच्छा, फिर मेरे एकदम OLX पे जैसे नजर आ गई ये गाड़ी। ये मात्र 2100 किलोमीटर चली हुई थी। नहीं होगी फिर तो, ये 2100-2200 तो कंपनी चला के दे देती है। मतलब ये समझ लो फरवरी 18 की बात है। अच्छा, तो मैंने जैसे OLX पे नज़र आ गई गाड़ी 2100 किलोमीटर चली हुई सिर्फ। तो हम जैसे उससे बात करी ओनर से, तो उन्होंने जैसे हमें बुला लिया। अच्छा, फिर हम गए तो उन्होंने जैसे एक शोरूम ऑन रोड से मतलब जो है 80,000 तोड़ के। अच्छा, 80,000 तोड़ दिए उन्होंने। तो हमने सोचा नहीं ले ली ये नई बराबरी। हाँ, तो 2100 किलोमीटर चली हुई है, 80,000 कम नहीं होते, अपने को RC की पेमेंट बच गई। अच्छा अच्छा, तो हमने इसको जैसे चेक किया, बिल्कुल वो बंदा तो चलाता ही नहीं था इसको, उसने तो गाड़ी ली उसको पसंद ही नहीं आई। अच्छा, और हमारे को यही पसंद थी। अच्छा, आपके पास पहले कौन सी गाड़ी थी? पहले थी मेरे पास रिड्ज। अच्छा, रिड्ज थी VXI। रिड्ज VXI यानी कि पेट्रोल थी, और आप डीजल में शिफ्ट हो गए। हाँ, डीजल में। तो आपने वो रिड्ज क्यों बेची, मतलब आपका कैसे क्या विचार बना कि आपको ब्रेजा लेनी है? मैंने 5 साल तक रखी, 61,000 किलोमीटर चल गई थी। हाँ, तो फिर जैसे थोड़ा मन उब गया थोड़ा उसमें, जैसे है ना एक बार हमारे से गलती से वो बिना मोबिल के चल गई सूखी। अच्छा, उसके इंजन में हल्की सी आवाज़ हो गई थी। अच्छा, चल सही रही थी फिर भी बस थोड़ा सा हो ही गया था। हाँ, तो फिर मैंने जैसे उसकी 2,50,000 रुपये कीमत लगी, मैंने बेच दी। अच्छा, 5 साल चला के आपने 2,50,000 कीमत थोड़ा सा इंजन में करके कर दिया? वो ये समझ लो 4.5 की ली थी। हाँ, तब तो काफ़ी सही थी। 5 साल चला के भी 61,000 चली हुई थी। तो फिर ये जैसे मैं गया शोरूम में डिज़ायर का ना, हाँ डिज़ायर उसमें लेने पेट्रोल में। अच्छा, तो शोरूम वालों ने बताया कि डीजल आप ले सकते हो और 15 साल की आपको RC देंगे। अच्छा, मैंने ये सोचा था कि डीजल चलती है 10 साल तक। हाँ, तो उस टाइम यहाँ हरियाणा में 15 साल की बन रही थी। तो आप जैसे आप दिल्ली वगैरह जाते बदल गया। हाँ, मका थोड़ी बहुत SUV की फील ले लें। हाँ, SUV का उस टाइम ट्रेंड नया चला था। फिर मैंने पूरा इसका रिव्यू वगैरह देखा। अच्छा भाई, यही था कि हमको चलानी होती है कम स्पीड में, मैक्सिमम लगा लो 80-85। अच्छा, एवरेज अच्छी मिल जाती है। इसकी एवरेज अच्छी थी डीजल में। हाँ, तो ये आपकी कितनी एवरेज क्लेम कर देती है? एवरेज मैंने इससे ली हुई है 23-24 की हाईवे पे। और सिटी में? अपने सिटी में थोड़ी सी कम रहती है इसकी भाई, 16। हाँ, काफ़ी फ़र्क आ गया। हाँ, हाँ, तो आप वही है ना 80-90 पे चलाएंगे तो बड़ी एवरेज। हाँ, जो क्लेम करती है उसमें निकाल ही लोगे। नहीं, मैं सोचा टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल ही लेते हैं, अपना हल्का मॉडल लेना नहीं। अच्छा, उसमें ये था कि इससे कम वाला लेता तो सिंगल एयर बैग आ रहा था उस टाइम। इसमें कितने हैं? इसमें ड्यूअल है। हाँ, पर आज के हम टाइम की बात करें, ड्यूअल एयर बैग तो हर गाड़ी में हो गया। हाँ, पर ड्यूअल सब में आ गया। इस बजट में तो आपको 6 एयर बैग दे देती। तो आपने ब्रेजा ही क्यों, उस टाइम वेन्यू भी थी, नेक्सॉन थी 5-स्टार रेटिंग साथ ना, वेन्यू आई थी। अच्छा, नेक्सॉन जरूर थी लेकिन उस टाइम इतना ज़्यादा क्रेज नहीं था। क्रेज नहीं था, टाटा का थोड़ा नाम से लोग हटते थे। मैंने घर वालों का भी था ये 5-स्टार रेटिंग में ये ले लेते हैं, लेकिन बाकी ये है कि इसमें स्पेस काफ़ी है। हाँ, इसको वेन्यू वगैरह से नेक्सॉन से स्पेस अच्छा है। इसको ट्राई करा जैसे मैंने यार दोस्त की लेके चला के देखी, मेरे गैराज में लगा के देखी, बहुत बढ़िया फिट आई। हाँ, फैमिली को दिखाई, सबको पसंद आई। अच्छा, तो बहुत बढ़िया है वो। इसमें आपको कौन सी लाइट मिली, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स है, LED हेडलाइट्स, मतलब कैसे? ये हेलोजन में प्रोजेक्टर है। तो आपको ये फील नहीं हुआ यार इतने, कितने रुपये आपने दिए उसको? मैंने तो ये समझ लो 10-40 में ली थी। सब कुछ आ गया इसमें आपका? हाँ, तो आज में मान लो
80,000 और जुड़ जाते हैं। पर आज के टाइम की हम बात करें वैसे 12.5-13 लाख तक ये जा रही है ZDI प्लस, और वो भी पेट्रोल में। तो जो बंदा डीजल का फैन है वो पेट्रोल नहीं लेता। हाँ, इसको चलाने में भी शुरू में जैसे दिक्कत आई थी मेरे को। अच्छा। हाँ, इसमें थोड़ा सा ना जैसे 2000 RPM तक इसकी थोड़ा पिकअप कम मरता है। हाँ वो तो है ही। मान लो आप हिल स्टेशन पे जाते हैं तो दूसरे गियर में आप इसको चढ़ा नहीं पाओगे। चलाओगे तो या तो स्पीड अच्छी दबा के लेनी पड़ेगी। अच्छा। फर्स्ट गियर में डालनी पड़ती है। शुरू शुरू में दिक्कत आती है, बाद में इसको कोई दिक्कत नहीं है आज तक मेरे को चलाने। हाँ वो तो आप यूज टू हो जाते हो। तो आपको पीली लाइट मिली वही सिंपल हैलोजन वाली। हाँ, हाँ। कोई डे टाइम रनिंग वाली लाइट नहीं, रनिंग लाइट है इसमें। डे टाइम रनिंग लाइट। हाँ। ठीक। तो आफ्टर मार्केट आपने कुछ काम कराने की सोची इसमें? आफ्टर मार्केट वैसे टॉप मॉडल है, इसमें कोई दिक्कत कोई थी नहीं है कि ये ग्रिल लगवाई थी। अच्छा। और एक इसमें जैसे ये ग्रिल आपने लगवाई है? ग्रिल मैंने लगवाई। अच्छा, फिर इस पर ब्रेजा क्यों नहीं लिखवा दिया? आपने जीप कंपास जैसी लुक तो ले ली गाड़ी की। ना बस सिंपल सा ही था, बस यही करवाया। अच्छा। एक इसमें वो लगवाए थे सीट कवर। सीट कवर बढ़िया। हाँ, सीट कवर तो हर कोई पता नहीं लगवाता है, ये कैसे कंपनी दे। हाँ नहीं, बढ़िया से बढ़िया सीट कवर थे ये, मैंने उस टाइम लगवाए थे 8,500 के। 8,500 के आपने ब्रेजा में सीट कवर? हाँ, इन्वेस्ट करे। हाँ, पहला काम मैंने इसमें करवाया था फ्लोर का, फ्लोरिंग का। हाँ, फ्लोरिंग का। गाड़ी लेते ही इसको दूसरे तीसरे दिन फ्लोरिंग लगवा दी थी, जैसे कोई डस्ट वगैरह इसका फर्श वगैरह ख़राब ना हो। अच्छा। बाकी तो ये तो सनराइज़ पहले वाले ओनर ने लगा। ये तो कंपनी चेपती चेपती है। सीट कवर पहले भी थे इसमें, वो अच्छे नहीं थे, वो ढीले। अच्छा। थे ये, मैंने फिर उसमें वो लगवाए जो होता है ना ये बकल वो वाले। तो अब जैसे आप रात में SUV मिनी चलाते हैं, सबसे पहले जो सामने से लाइट आ रही हो तो उसका कैसा फील होते हो, लगती आपकी आँखों? मेरे को कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती इस गाड़ी में। अच्छा, मतलब ये भी थोड़ी ऊंची होगी, वो कहाँ तक मारेगा आँख पे? हाँ, बल्कि वो डिपर देते रहते हैं, लाइट डाउन करनी पड़ती है मेरे को। हाँ तो भाई करनी भी चाहिए, रात के टाइम बिल्कुल एकदम समझ कुछ दिखता ही नहीं। हाँ। तो ये तो होगी एक्सटीरियर लुक। आपको लुक कैसी लगती है गाड़ी की, शार्प? अब तो थोड़ी इसकी हेडलाइट चेंज कर दी है। हाँ। आपने सोचा नहीं मैं भी थोड़ी LED बहुत टाइम पहले पसंद कर ली थी, उसमें जो एक वो दिल्ली में लगता है ना मेला, 4 साल या 3 साल में लगता है। अच्छा। ऑटो कुछ बोलते हैं उसको, वहाँ गए थे हमने जब ये लॉन्च हुई थी। ब्रीजा उस टाइम लॉन्च हुई थी तब हमने पसंद की। अच्छा, सोचा था यही लेंगे। हाँ, फिर कुछ साल हमने ब्रीजा वो रेड जी चलाई तो फिर बाद में इसको लेने का मन बढ़ गया। अच्छा। तो आपने कितने किलोमीटर चला दी भाई ये? अभी चल गई मेरी 38,500। 2-3 साल में आपने? हाँ। 38,500 चला दी, चलाई भी आपने खूबी। हाँ, ये इसमें मैंने काफ़ी लंबे लंबे टूर करे। अच्छा। हाँ। तो कहीं फील आपने बताया एक बार शुरू शुरू में आपको फील हुआ जैसे लैग का? हाँ, उसके बाद आप यूज टू हो गए? वो तो बिल्कुल लोकल रोडों में थोड़ा बहुत फील हुआ, बाद में इसकी हैबिट होगी, लंबे लंबे टूर मारे हमने। अच्छा। हाँ। अच्छा, जैसे आप इसको अलॉय व्हील मिले हैं, आपको व्हील कैप और अलॉय व्हील में क्या फ़र्क फील होता है? मतलब व्हील कैप थोड़ी लुक बढ़ाते हैं कि अलॉय व्हील का यूज क्या होता है प्रॉपर? अलॉय व्हील का यूज तो जी आज तक कुछ हुआ हो थोड़ा ना, इसमें टायर चौड़े आ जाते हैं। अच्छा, टायर चौड़े आ जाते हैं। वो तो बेस वेरिएंट में ना आप लोगे ना, जैसे 16 इंची का टायर है और टॉप में 17 इंची का दे देती है कंपनी ना, चौड़ाई काफी है टायर की। अच्छा, टायर की चौड़ाई फुल है। तो आपको बम्प वगैरह कैसे फील होते हैं इसमें? बम्प वगैरह कोई खास फील नहीं होता। और ब्रेकिंग की हम बात करें, ब्रेक बहुत अच्छे है। डिस्क क्या चारों? चारों नहीं है जी, आगे के फ्रंट डिस्क मिले आपको। तो ब्रेक आप बता रहे हैं बढ़िया है? ब्रेक बहुत बढ़िया है। अच्छा, और काफ़ी अच्छे चलते हैं डिस्क पैड भी इसके, मैंने सिर्फ एक बार चेंज करवाया है डिस्क पैड। अच्छा अच्छा, सर्विस कॉस्ट की हम बात करें ब्रेजा, आप 10-11 लाख रुपए दिए, मेजर सर्विस आपने कितने मैक्सिमम पे किया हुआ है? मेजर सर्विस मैंने इसमें आज तक 6,500 रुपये दिया हुआ है, 6,500 जिसमें सब कुछ आ जाता है आपका। हाँ। लेबर कॉस्ट वगैरह? हाँ, सब कुछ। तो अब तक इसकी एजेंसी में ही हुई थी सर्विस, अभी मैंने लास्ट करवाई है ये इसकी 4थी सर्विस। अच्छा, ये मैंने बाहर करवा ली। 4थी आपने बाहर करवा ली? हाँ, वो करवा ली। किस लिए? बस वो है ना, मारुति वाले लोकल ऑयल डालते हैं, कोई मजे वाला डालते नहीं, और टाइम भी ज्यादा लेते। हाँ, हैं आपका। अबकी बार इसमें मैंने सिंथेटिक, फुली सिंथेटिक डलवाया बाहर से, कैस्ट्रोल का। अच्छा। हाँ, 5W40 था वो। तो अब जैसे बूट स्पेस आपको सफिशिएंट है? ओहो, मौज है पूरी। है? फैमिली टूर लगते हमारे बहुत बढ़िया इसमें। अच्छा। हाँ, 5 मेंबर
भर भर के स्पेस दे रखा है, इससे बढ़िया स्पेस नहीं किसी गाड़ी में। ये तो है ही, इससे ऊपर फिर आप बजट बढ़ता है तो क्रेटा में जाते हैं, वही बात है। क्रेटा मैंने देखी थी, अच्छा क्रेटा थोड़ी सी साइज में बड़ी थी। हाँ हाँ, वो थोड़ी बल्कि थोड़ी सी, हाँ, थोड़ा सा मैं सोचा एकदम सीधा जैसे हैचबैक से उस पे जाऊंगा ना, थोड़ी चलाने में भी दिक्कत। और फिर मेरे थोड़ा गैराज में ये फिट आई थी एकदम, वही आपके प्रॉपर फिट आई। ये है नई गाड़ी, बाहर रखोगे ना स्क्रैच मार ले जलने वाले आदमी बहुत है। हाँ बिल्कुल।